स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो नॉर्थ रेंज धर्मशाला ने हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम कांगड़ा के देहरा स्टोर से करीब 1 करोड़ रुपए का 1500 क्विंटल राशन गायब करने वाले स्टोर इंचार्ज पर मामला दर्ज कर दिया है। विजिलेंस जांच में सिविल सप्लाई के स्टोर इंचार्ज संजीव कुमार का बड़ा गड़बड़ झाला पाया गया है, जिसके चलते आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं 409, 420, 465, 468, 471 और सेक्शन 3 व 7 के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विजिलेंस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज किया गया है। इसके चलते अब हर पहलू की कड़ी छानबीन होगी। सिविल सप्लाई के इंचार्ज ने डिपुओं के माध्यम से देहरा के विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाने वाले सस्ते सब्सिडी मूल्य वाले राशन की सप्लाई को गायब करने के कारनामे को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश की देहरा गोदाम से स्टोर इंचार्ज संजीव कुमार ने 1500 क्विंटल राशन, जिसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ के आसपास है, को गायब कर दिया था। इसमें डिपुओं को राशन भेजा तो गोदाम में राशन भेजने की एंट्री रजिस्टर पर दर्ज थी, पर्चियां काटी गई थी, जबकि इस राशन की क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों में कोई एंट्री ही नहीं हुई थी। सूबे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपुओं से मिलने वाले राशन में गड़बड़ झाला सामने आया था। मामले का पता चलते ही विभाग ने जांच बैठा दी थी, जिसमें आरोपी की संलिप्तता पाई जाने पर सस्पेंड भी कर दिया गया था। इस संबंध में विजिलेंस थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला के एसपी बलबीर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं, जिसके आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अब जांच तेज कर दी गई है। पिछले दिन धर्मशाला विजिलेंस ने एक केस रजिस्टर किया हुआ है। ये संजीव कुमार हैं, जो सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन देहरा के जो मेन डिपो रहता होगा उसके इंचार्ज हैं ये, तो इनके विरुद्ध केस दर्ज किया गया। इनके ऊपर आरोप थे कि इन्होंने पिछले साल कोई अप्रैल से लेके जुलाई तक जो फूड ग्रेन सप्लाई होते हैं फेयर प्राइस शॉप के थ्रू लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, जो सब्सिडाइज्ड अनाज होता है, जो सरकार लोगों को फ़ायदा देने के लिए जो सरकारी डिपो है उसके माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसका वितरण होता है, तो वो जो खाद्यान्न थे इन्होंने लगभग 1500 जो क्विंटल के खाद्यान्न थे उनको बजाय जो फेयर प्राइस शॉप्स थी उनको भेजने के इन्होंने इसको शायद बाज़ार में बेच दिया होगा। तो ये हमारे पास ये शिकायत प्राप्त हुई थी विजिलेंस ने इसमें डिटेल्ड इंक्वायरी करी और पिछले दिन इसमें इस एम्प्लॉय के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। तो विभाग भी इसमें अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा होगा, तो बाकी चीज़ें इसमें इन्वेस्टिगेशन में देखी जाएंगी कि ये कितना टोटल इसने लोगों को लॉस पहुंचाया, सरकार को लॉस पहुंचाया, तो इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इसके अलावा कुछ दिन पहले एक और केस विजिलेंस धर्मशाला ने रजिस्टर किया हुआ, ये इंदौरा इलाके के एक परिवार की शिकायत मिली थी कि इन्होंने 3-4 साल पहले फिशरी डिपार्टमेंट से कोई वेलफेयर स्कीम्स रहती हैं फिशरीज की जो प्रोडक्शन है जिसको हम ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, सरकार का ये प्रयास रहता है कि जो फार्मर हैं उनको किसी न किसी तरीके से उनकी मतलब आय में बढ़ोतरी हो, तो फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से भी ऐसी कई जो वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स रहती हैं तो उनका फ़ायदा किसानों को पहुँचे, तो इन लोगों ने उसमें सब्सिडी का जो अमाउंट लिया था उसको उस उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया था जिसके लिए होना चाहिए था, तो कुल मिला के इन्होंने लगभग 3 लाख के आसपास सब्सिडी का मिसअप्रोप्रिएशन किया था, तो ये भी कंप्लेंट हमारे पास थी और इसमें डिटेल्ड इंक्वायरी के बाद हाल ही में इसमें भी केस रजिस्टर किया है। तो आपके माध्यम से एक बार फिर हम आम जनता से ये निवेदन करेंगे कि ऐसी कोई भी शिकायत हो जो भ्रष्टाचार से संबंधित है तो ऐसी कोई भी शिकायत को लेके ये विजिलेंस के पास आ सकते हैं, तो इसमें हम अपने स्तर पर और क्योंकि सरकार का और विभाग का ये प्रयास रहता है कि जो भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में ये दोनों केसेस रजिस्टर हुए हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है।